आज मैं आपको ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग मैं चीजें बता रहा हूँ और इसमें भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाला हूँ। प्लस आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं और भी बहुत कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम कीवर्ड की। कीवर्ड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए जब आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमेशा आपके काम आएगा। आप जितने कीवर्ड्स लिख रहे हैं आप वो काउंट करें, प्लस आपका जो आर्टिकल है वो कितने वर्ड्स का है, दोनों को डिवाइड कर दे और उसके बाद उसकी डेंसिटी निकल आएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके आर्टिकल में 20 कीवर्ड है तो सबसे पहले आपने 20 लिखना है डिवाइडेड बाय आपके आर्टिकल में वर्ड्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ड्स का आपने आर्टिकल लिखा है तो इसको इंटू और 100 ये करेंगे तो डेंसिटी आ रही है हमारी 2%। यही एक ऐसा फॉर्मूला है फ्रेंड्स जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपको कहीं भी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप 2-2.5% तक ही अपने कीवर्ड्स की डेंसिटी रखें। अगर 2% से कम रखेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप किसी इवेंट को टारगेट कर रहे हैं, न्यू ईयर है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो फ्रेंड्स उसमें आप डेंसिटी 3-4 गुना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पेज तो रैंक होगा, जल्दी से ट्रैफिक भी आएगा और उतनी जल्दी गूगल आपके उस पेज को अपने सर्च इंजन से हटा भी देगा। काफी लोग इसको यूज करते हैं पर वो इवेंट्स के टाइम करिए। पर अगर नॉर्मल वेबसाइट है तो फ्रेंड्स उसकी डेंसिटी आप 2.5% से कम ही रखें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में मैंने इसी वेबसाइट के बारे में बताया तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। अब मैंने लिखा कि ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग एंड मैटर डिस्क्रिप्शन फॉर, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड लिख दिया। आपका जो भी निश्चय जो भी कीवर्ड है आप उसे यहाँ टाइप कर सकते हैं और इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इसने मुझे एक एग्जांपल दे दिया कि जो टाइटल टैग होना चाहिए वो कितने करेक्टर्स का होना चाहिए, टाइटल टैग में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स दे दी। अगर आपको ये डिटेल्स ठीक लग रही है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यही आपको सब कुछ जनरेट करके दे तो आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने इस एडिट क्वेरी वाले बटन पे क्लिक करा और इसके आगे मैं एक छोटा सा वर्ड लिख दूंगा विद एग्जांपल। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, जहां पे भी आपको ये ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा तो उसके आगे आपने विद एग्जांपल लिख के सेव पे क्लिक करना है। यहां पर आप देखेंगे इसने मुझे पहले जैसा रिजल्ट तो निकाल के दिए, पर नीचे करूंगा तो इसने मुझे एग्जांपल भी दे दिए कि मेरा जो टाइटल टैग होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन मेरी कैसी होनी चाहिए। और आप दोनों में एक चीज नोटिस करें, जो मेरा मेन कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग, दोनों जगह आ रहा है, मतलब टाइटल में भी आ रहा है और मैटर डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। अगर इस तरह का ऑन पेज एसईओ एक फ्री वेबसाइट आपको निकाल के दे रही है, करके दे रही है, तो आपके लिए कितना इजी हो चुका है। अब हम ऑन पेज एसईओ के सेकंड पार्ट में चलेंगे। आपकी हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। अब धीरे धीरे मैं और एडवांस होता रहूंगा। उस केस पे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा और लास्ट में अपना कीवर्ड लिख दिया और सेंड के ऊपर मैंने क्लिक करा। इसने मुझे हेडिंग और सब हेडिंग की थोड़ी डिटेल्स बताई है पर एग्जाम्पल नहीं दिया। तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको हर बारी लिख के बताना पड़ेगा कि हमें भाई विद एग्जांपल दिखा। आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक पिक्चर आ जाएगी जिसे हमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे हेडिंग और सब हेडिंग निकाल के दे दी है। इसके अंदर हमारा डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है और यही हम चाहते थे कि हमारी हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा तो ये एक एग्जाम्पल था, इसको आप इग्नोर कर दे। जो आपको ठीक लग रहा है आप उसी को ही पकड़े। और यहाँ टाइटल में भी फ्रेंड्स इसने हमें डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। ऑन पेज एसईओ में यूआरएल भी बहुत मैटर करता है। यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, अगर उसमें भी गड़बड़ है तो भी आपकी पोस्ट रैंक नहीं करेगी और उसके अंदर भी ये टूल आपकी हेल्प करने वाला है। इस बार मैंने पहले से ही विद एग्जाम्पल लिख दिया और अपना जो मेन कीवर्ड था यहाँ पे डाला। बस आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड डालना है। ये सारे प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बस एक बार तरीका अच्छी तरीके से समझ ले आप। और इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे कुछ टिप्स दिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताया जो मेरे यूआरएल स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है, अगर उस यूआरएल को मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। और नीचे इसने मुझे वो स्ट्रक्चर निकाल के दे दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका यूआरएल स्ट्रक्चर ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली बनेगा और आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी गूगल में रैंक होगी। अब बारी आती है इंटरनल लिंकिंग की। ये चीज करना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और उनको यही नहीं पता लगता कि यहीं से भी ट्रैफिक आपकी दूसरी पोस्ट में जा सकते हैं। जैसे वीडियो के लास्ट में हम एंड स्क्रीन लगा देते हैं और अगर कोई लास्ट तक देखता है उसको एंड स्क्रीन में वीडियो पसंद आता है तो उस पर क्लिक करता है और वो सेकंड वीडियो देखने लग जाता है।
ठीक इसी तरीके से इंटरनल लिंकिंग भी काम करेगी और ये टूल उसमें आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे अब मैं पहले से ही विद एग्जांपल ऐड करे जा रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मेरा कीवर्ड है और उससे पहले मैंने ये सारा प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। ऑन पेज एसईओ के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स और ट्रिक्स अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो फ्रेंड्स आप कभी भी मार नहीं खाएंगे जब तक ये वाले तरीके चल रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने मुझे तरीका तो बता दिया पर उसके नीचे इसने मुझे एक एग्जाम्पल भी दे दिया किस तरह से एंकर टेक्स्ट होना चाहिए प्लस उसका क्या एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें इसने मुझे बता दी। इस तरह के ऑन पेज एसईओ वाले और भी प्रॉम्प्ट्स हैं पर उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके पास एक थीम और प्लगइन इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाए। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो यहां से आप किसी भी थीम या प्लगइन को सिर्फ 199 रुपीस में परचेज कर सकते हैं। आप देखेंगे 660 इसके अंदर फाइल्स है। फॉर एग्जाम्पल आप एलिमेंटर प्रो को परचेज करना चाहते हैं, आप एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे कूपन कोड पे आपने वेदांत 100 टाइप करके अप्लाई करना है। अप्लाई होते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे आपको 100 रुपीस का डिस्काउंट मिल गया और 199 रुपीस में आपको ये प्रोडक्ट पड़ा। अगर इस प्रोडक्ट की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है। ऑन पेज एसईओ के लिए फ्रेंड्स आपकी इमेज भी बहुत मैटर करती है। अगर इमेज का साइज आपका हैवी है तो ऑब्वियसली पेज लोड होने में टाइम लगेगा, रैंकिंग में डाउन हो जाओगे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पे अपना एक प्रॉम्प्ट टाइप करा, मैंने अपना कीवर्ड लिखने के बाद विद एग्जांपल लिख दिया और इस बटन पे क्लिक कर दिया। आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो बस आप विद एग्जांपल जरूर लिखें। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे सारी डिटेल्स निकाल के दे दी और प्लस नीचे ऑल टैग के मुझे एग्जाम्पल भी दे दिए। ऑल टैग कैसा होना चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपको ये सारी चीजें गाइड कर रहा है। और मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि ये चैट जीपीटी से ज्यादा एडवांस है क्योंकि चैट जीपीटी आपको 2021 से पहले का डेटा दिखाएगा और ये आपको लेटेस्ट डेटा दिखाएगा जिससे आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे।